को ठीक करने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसके साथी उसे अकेला छोड़कर पाठशाला चले गए थे। उनके जो साथी थे वो तो अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे ना, तो उसके साथी क्या थे, उसके साथी उसको अकेला छोड़ दिए। और क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था, अगर स्कूल लेट जाएंगे तो हमें टीचर डांटेंगे, तो इसके लिए उसके उनके जो फ्रेंड थे, उनके साथ जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, उनको वहीं पर अकेला छोड़कर वे चले गए थे। वह पाठशाला देर से पहुंचा, तो वे लोग तो टाइम पर चले गए, लेकिन वल्लभ क्या कर रहा था, वल्लभ सड़क से पत्थर हटा रहा था और फिर सड़क को ठीक किया उसने, तो इसमें बहुत समय लग गया, तो बहुत लेट हो गया। तो वह पाठशाला देर से पूछा, लेट हो गया तो टीचर तो रीजन पूछेंगे। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने पूछा, गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा, गुरुजी ने क्या किया, देर से आने का कारण पूछा। वल्लभ ने सारी बात सच सच बता दी। जब गुरुजी ने वल्लभ से देर से आने का कारण पूछा तो वल्लभ ने क्या किया, सारी बात सच सच बता दी। अभी हर बच्चा थोड़ा ना सारी बात, कोई कोई क्या बोलते हैं, मैं इसके कारण लेट हो गया, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था। जब आप स्कूल लेट आते हो तो आप टीचर को क्या रीजन देते हो कि मैं ब्रेकफास्ट में लेट हो गया, ट्रैफिक में फंस गया, पापा जल्दी गाड़ी नहीं निकाले, इस प्रकार के रीजंस देते हो ना, तो ये रॉन्ग है। क्या रीजन है वो ट्रू रीजन दे देना चाहिए। तो इन्होंने ट्रू रीजन दे दिया, हाँ ये सारी बातें मेरे साथ हुई थी, ऐसे ट्रू रीजन दे दिया। तो गुरु जी बहुत खुश हुए, जब हम ट्रू रीजन बोलते हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो सब जन खुश होते हैं। तो गुरु जी ने देखा कि ये बच्चा अपना सही रीजन बता रहा है, तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बालक वल्लभ को गले से लगा लिया, उन्होंने क्या किया, जो बालक वल्लभ था उसको गले से लगा लिया, बिकॉज उन्होंने सच बोला और उन्होंने कितना अच्छा काम किया। तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया और ऊपर से झूठ भी नहीं बोला, सच बोला, तो ये सब गुणों के कारण वे बहुत खुश हो गए और खुशी से उन्हें गले से लगा लिया। उसके घायल पैर पर मरहम पट्टी की और बोले, उसका उनका जो पैर ना घायल हो रखा था, रक्त बह रहा था, चोट लगी थी ना, तो उसके ऊपर क्या किया, मरहम पट्टी किया, फर्स्ट एड किया और क्या बोला उन्होंने, बेटा तुमने रास्ते की रुकावट को हटाकर अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया, क्या कहा कि तुमने रास्ते की रुकावट को हटा दिया, और इस प्रकार रुकावट को हटाकर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब लोगों को उस रास्ते पर चलने में आसानी होगी। तो रास्ते की रुकावट जो वो पत्थर था जो सभी को लगता था, लेकिन किसी ने भी उसको हटाने की कोशिश तक नहीं की और सोचा भी नहीं, तो तुमने सोचा और अपने निर्णय पर दृढ़ रहे हैं और तुम्हें सफलता भी मिली और तुमने उस रास्ते की रुकावट, उस रास्ते के पत्थर को निकाल दिया। अब क्या होगा, जो भी लोग उसके ऊपर चलते हैं उन्हें चलने में आसानी होगी, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, ऐसे कहा। और यह बालक और कोई नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी एक स्टोरी, एक भाग को पढ़ने वाले हैं। तो यही बच्चा, यही बालक आगे चलकर वल्लभ भाई पटेल बना। लोग उन्हें लोह पुरुष के नाम से जानते हैं, लोग उन्हें लोह पुरुष मतलब आयरन मैन के नाम से जानते हैं। वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे, वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे और लोग उन्हें आयरन मैन के नाम से जानते हैं, हिंदी में बोले तो लोह पुरुष। तो इस प्रकार हमने इस लेसन से क्या सीखा, हमने यह सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, हमें अपने निर्णय पर, अपने लक्ष्य पर अटल रहना है और अपने लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अगर हम केवल अपने लक्ष्य की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे तो हमें अंत में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये हमने इस पाठ से सीखा जो बहुत ही बड़ी सीख है हमारे लिए। तो हमें भी अपना, हम जो भी निश्चय करते हैं, जो भी निर्णय करते हैं, हमें उस पर दृढ़ रहना है।
और हमें उसके लिए जो भी, उसकी सफलता के लिए जो भी करना पड़े, किसी भी कितना भी प्रयास करना पड़े, कितना भी प्रयत्न करना पड़े, उन सारे प्रयासों को, उन सारे प्रयत्नों को करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो हमने तो लेसन पढ़ लिया और उसकी जो सीख थी वो भी हमने देख ली। तो इसके बाद मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अभ्यास कार्य भी बहुत जरूरी होते हैं। बिना अभ्यास कार्य के हम ज्ञान को स्थायी नहीं बना सकते, क्योंकि काफी सारे वर्ड्स के मीनिंग हमें पता होना चाहिए, काफी सारे वर्ड्स के ऑपोजिट हमें पता होना चाहिए। तो अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं और मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और इनको लिखते भी जाइए, सब नोट करके रखना होगा आपको। तभी आप कभी उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि हाँ हमने ये पढ़ा था और ये वर्ड का ये मीनिंग होता है। ओके, तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बालक। बालक मतलब बच्चा, बेबी, चाइल्ड बोलते हैं ना, छोटा बच्चा। तो बालक, बालक बच्चा, बालक बच्चा। साथी, साथी मीन्स मैंने क्या कहा था, फ्रेंड, मित्र, दोस्त। साथी मित्र, साथी मित्र। परवाह ख्याल, परवाह ख्याल। रास्ता मार्ग, रास्ता मार्ग। प्रतिदिन रोज, प्रतिदिन रोज मतलब क्या होता है, एवरी डे। रास्ता मीन्स वे। परवाह ख्याल चिंता, उसकी कोई परवाह नहीं की, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा लिंग बदलो। लिंग बदलो मतलब क्या होता है, जो पुरुषवाचक होते हैं उन्हें हम स्त्रीवाचक में बदलना है। पुरुष को हमें स्त्री में बदलना है, पुरुषवाचक शब्दों को हमें स्त्रीवाचक शब्दों में बदलना है, इनके लिंग चेंज करने। लिंग चेंज करने मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज द जेंडर। ओके, इनका जेंडर हमें चेंज करना है, मतलब आदमी है तो उसका क्या आएगा, औरत। उसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट वर्ड है बालक। जो लड़के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बालक। और इसका लिंग अगर उसको स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो बालक का क्या होगा, बालिका। ये सारे पुल्लिंग शब्द है, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, बालक बालिका, बेटा बेटी, पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री, बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, लड़का लड़की। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स में देखिए ये जो चिन्ह है, ये जो सिंबल है, ये ही हमें बताते हैं कि हम ऑपोजिट्स पढ़ रहे हैं। ओके, ये चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये चिन्ह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चिन्ह पर ही हम बोलते हैं कि ये उल्टे शब्द है। ये चिन्ह समझ में आ रहा, उल्टा, इनटू मार्ट मीन्स इसके उल्टे शब्द, विलोम शब्द, ऑपोजिट्स। ओके, फर्स्ट वर्ड है हमारा गांव। गांव का विलोम शब्द शहर। गांव शहर, गांव शहर। सच झूठ, सच झूठ। दिन रात, दिन रात। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। जीत हार, जीत हार। तो इस प्रकार हमने ऑपोजिट्स और लिंग बदलो देखे। इसके बाद